अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू रिजवानास किचन एंड ब्लॉग। तो आज हम बनाएंगे हरे मसाले वाली कलेजी। और किस तरह बनाते देखिए मेरे किचन की तरफ। देखिए पाव किलो से ज्यादा ये कलेजी है, मैंने इसको धो के अच्छी तरह ले लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको पहले उबाल के लेंगे। तो देखिए एक बर्तन में हम थोड़ा पानी डालेंगे, इसके अंदर ये कलेजी डाल देंगे। कभी भी कलेजी बनाए ना तो थोड़ा उसको नमक हल्दी के पानी में उबाल कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो स्मेल होती है और इसके अंदर इसको कितना भी अच्छा धो तो उसमें से लाल जो पानी है ना निकलते ही रहता है। इसके लिए इसको नमक और हल्दी में अच्छी तरह से हम उबाल के लेंगे। थोड़ी सी हल्दी डाली मैंने इसमें, डाल देंगे इसमें हम थोड़ा सा नमक और इसको एक तरफ उबलने के लिए छोड़ देंगे। आगे का मैं आप लोगों को बताती हूँ। चलिए इसके लिए हमने थोड़ी सी हरी मिर्ची ली है, थोड़ा लहसुन लिया है और ये थोड़ा सा हरा धनिया, इसको हम पीस के ले लेंगे। और इसमें मैं डालूंगी 3 प्याज डालूंगी काट कर और 1 टमाटर, तो हम इसको काट के ले लेंगे। देखिए इधर अच्छी तरह से ये उबल रही है, इसको उबलने देंगे और इसका हम मसाला पीस के ले लेंगे। तब तक कलेजी हमारी अच्छी तरह उबल चुकी है। और ये देखिए मैंने है ना 2 ही प्याज काटे, क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाएगा सालन, इसके लिए 2 ही काटी मैंने और 1 टमाटर। चलिए अभी गैस पे मैंने बर्तन गरम के लिए रख दिया है, कुकर गैस पे मैंने कुकर गरम को रख दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे तेल, तेल आप आपके हिसाब से डालो, आपको कितना तेल लगता है ना कि खाने में वैसे आप हिसाब से डालिए। देखिए तेल गरम हो गया, अभी हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को हल्का सा लाल होने देंगे, फिर इसमें हम टमाटर और जो मसाला पीस के रखे हैं ना वो डाल देंगे इसमें। और इसको है ना छन्नी में निकाल लेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे हम टमाटर और जो हमने मसाला पीस के रखा है ना वो भी इसके अंदर डाल देंगे। देखिए 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। कलेजी को उबालने में भी हमने नमक डाला था, अभी और मैं इसको नमक डालूंगी। चलिए इसके अंदर हम ये कलेजी भी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलाने के लिए छोड़ दूंगा। फिर इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और ढक्कन ढक के इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन लगा दिया है, 3-4 सीटी के बाद मैं गैस को कम कर दूंगी। इसको अच्छी तरह गलने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। मस्त हमारा सालन बनके तैयार हो गया, एकदम झटपट बनता है ये सालन। मैं आप लोगों को पहले में निकाल के भी दिखाती हूँ। थोड़ा सा हम इस पे हरा धनिया डालेंगे, मस्त वाला हमारा ग्रीन कलेजी का सालन बनके तैयार हो गया। तो देखिए मस्त वाला हमारा ग्रीन वाला कलेजी का सालन बनके तैयार हो गया है और मैं आप लोगों को खा के भी दिखाती हूँ। गली भी एकदम मस्त है, लेकिन
एकदम मस्त बना है, और आप लोग ये मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। इसको नाश्ते में भी खाते हैं पाव के साथ में। और ये मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिए। फिर मिलती हूँ मैं अच्छी अच्छी रेसिपी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलूंगी मैं आप लोगों को वापस।